और बड़ी खबर गोंडा से है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दो लोगों की मौत हुई, एक घायल हुआ। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक फरार हो गया। कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग का ये पूरा हादसा है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गोंडा की तस्वीर है, जहां पर कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई और हादसे में दो लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई, टक्कर इतना जबरदस्त था, कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। आप देखिए ये टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही बाइक में आग लग गई, दो लोगों की जान चली गई। इसमें कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। तो गोंडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कार और बाइक की भिड़ंत हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई है। और आप देखिए कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टक्कर इतनी तेज थी कि टक्कर के तुरंत बाद उस बाइक में आग लग गई और इस भयंकर दुर्घटना में दो लोगों की जान गई। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गोंडा की, जहां पर जबरदस्त हादसा हुआ है, भीषण भिड़ंत हुई है कार और बाइक की। और गोंडा के कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्ज कुआं मनकापुर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर मथुरा से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। मथुरा को 208 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। अमेरिका में पीएम मोदी का सम्मान देश का सम्मान है, ये मुख्यमंत्री ने कहा। और उन्होंने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है और कोरोना काल में भारत में शानदार काम हुए हैं। 9 साल में कुल 74 नए एयरपोर्ट बने। और दो दिन के जो मथुरा दौरे पर मुख्यमंत्री हैं, तो कई विकास योजनाओं की उन्होंने सौगात दी और कई बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। जिस तरीके से महासंपर्क अभियान भी चल रहा है, मथुरा को 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिला है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है, वो देश का सम्मान है और दुनिया भर में देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। तो मथुरा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दो दिन का ये दौरा है। और पहले दिन 208 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मथुरा को मिला है। तो मथुरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद है मंच पर, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो मंच पर मुख्यमंत्री के साथ दिख रहे हैं। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को, और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा, इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहां पर, दुनिया आती है, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, माँ यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूँ। हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे विधान परिषद सदस्य, हमारे महापौर, हमारे चेयरमैन, ये सभी लगातार विकास के बारे में चिंता करते हुए लगातार उसके लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं, सरकार से पहल करते हैं, विकास के लिए पैसा लाते हैं। और ब्रजतीर्थ विकास परिषद इन सब के साथ मिलकर के यहाँ के समग्र विकास के लिए निरंतर आगे कार्य कर रहा है। एक नई पहचान दिला रहा है ब्रज क्षेत्र को, और ब्रज क्षेत्र को उसकी पहचान दिलाना ही पड़ेगा, इसको दिलाना पड़ेगा। दुनिया आती है यहाँ पर, दुनिया आती है, प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में लोग आकर के बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। उस श्रद्धा को सम्मान देना पड़ेगा, उस श्रद्धा को बनाए रखना पड़ेगा। हमें अपने ब्रज क्षेत्र को भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उसी समग्र विकास की ओर आगे बढ़ा करके लेके चलना होगा। और इसलिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, मैं आकर के यहाँ पे बांके बिहारी और राधा रानी की कृपा, माँ यमुना की कृपा प्राप्त करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जरूर आता हूँ कि उनकी कृपा बनी रहे, प्रदेश विकास के पथ पर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और यह क्षेत्र अपनी पहचान के माध्यम से प्रदेश और देश को एक नई पहचान दे सके। इस दृष्टि से यहाँ पर आकर के हम लोग अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। आज भाइयों बहनों,
ये 208 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कुछ का लोकार्पण, कुछ का शिलान्यास, नई नई योजनाएं, हर प्रकार की योजनाएं, और ये योजनाएं आने वाले समय में आप देख कल्पना, जो चीजें कभी कल्पना हुआ करती थी, कोई सोचता था हर घर में नल लगेगा पीने के लिए, पानी के लिए, अब खारा पानी बहुत को दूर की बात होगी, हर घर में बहुत शीघ्र, हर घर में चाहे वह नगर हो चाहे वह गांव हो, शुद्ध पेयजल। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, वर्षा के एक एक बूंद पानी को सुरक्षित रखना, जल संरक्षण के लिए भी हमें तैयार होना होगा। वर्षा काल आने वाला है, अधिकाधिक वृक्ष लगाना, जल संरक्षण के उपाय के साथ जुड़ना, प्लास्टिक मुक्त वृद्ध क्षेत्र को बनाना, गंदगी के खिलाफ अभियान चलाना, हमारा गांव भी आत्मनिर्भर बने, स्वच्छ बने, सुंदर बने, हमारा नगर, हमारा वार्ड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ और सुंदर बने, ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ाने की आवश्यकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।